नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। उन्होंने आज सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली। वह 82 साल के थे। मुलायम सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वफदन जिलेटर पर थे। सीएम योगी ने कहा कि ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना एवं शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा करती है और उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। पात्राचौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को फिर से झटका लगा है। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई अब 17 अक्टूबर को होगी। इससे पहले राउत को 10 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया था। मुलायम सिंह यादव के निधन पर राज्यपाल कलराज मिश्रा, सीएम अशोक गहलोत ने दुख व्यक्त किया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि मुलायम सिंह यादव का एक अनुभवी राजनेता के रूप में उनका योगदान बहुत बड़ा था। उनके परिवार को दुख को सहने की शक्ति दी। अक्टूबर में लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में हालात बिगड़ गए हैं। अवध के अधिकांश जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। अकेले अवध में 12.50 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है या खतरा मंडरा रहा है। जदयू के साथ सरकार बनाने के साथ ही राजद के लिए मुसीबतों का दौर जारी है। पहले सरकार में मंत्री रहे कार्तिकेय सिंह व सुधाकर सिंह के इस्तीफे से पार्टी को झटका लगा तो अब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का इस्तीफा भी चर्चा में है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए 11 साल कुछ खास नहीं बीत रहा। हिंदी सिनेमा बायकॉट का सामना कर रही कई फिल्में बायकॉट की भेंट चढ़कर फ्लॉप हो चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच कटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर की हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ लोगों का मनोरंजन करने के लिए आ रही है। चुनाव आयोग ने आगामी उपचुनाव में शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह धनुष और तीर के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आयोग ने कहा था कि उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना के नाम व निशान का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से काशीवासियों में शोक की लहर। उन्हें लोग नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे। काशी की जनता ने मोक्षदायिनी गंगा में दीपदान कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में दिवंगत भाजपा विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को खड़ा किया है। तो वहीं बसपा ने साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव पर दांव खेला। वहीं राजद ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।